हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग IL T20 डेवलपमेंट टूर्नामेंट की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर IL T20 डायनामोस वर्सेस IL T20 मार्वल्स के बीच में। तो चलिए दोनों टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट हम लोग इसी YouTube चैनल के ऊपर कवर करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ से आपको और भी कई सारी टूर्नामेंट्स के वीडियोस मिलने वाले, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ओमान T20 कवर करेंगे, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ मेन्स T20 कवर कर रहे हैं, ECS करेंगे, इसके साथ वर्ल्ड कप चालू हो रहा है 2 दिन के अंदर और उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो मतलब सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे। तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, क्योंकि इस मैच की और आगे आने वाली सारे अच्छे मैचेस की फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की जो भी टीम रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा। बात करते हैं इस मैच की, तो ये मैच शाम को 6 बजे ICC एकेडमी ग्राउंड नंबर 2 दुबई UAE में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, हालांकि जितना एक्सेप्ट अभी तक किया जा रहा है इतना अच्छा तो स्कोर नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 140-150 के आसपास स्कोर बनता हुआ नज़र आ सकता है आपको। चेजिंग में यहाँ पर ज़्यादातर चेजिंग करने वाली टीम को एडवांटेज रहता है, तो टीम टॉस जीत के पहले चेज करना पसंद कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टीम DYN की, 2 मैच खेली है, दोनों की दोनों हार के आ रही है, अपनी पहली जीत की तलाश में उतरेंगी। ओपनिंग की बात करते हैं तो ओपनिंग में यहाँ पर रौनक पनोली और इनके साथ यहाँ पर समल उड़ावत्था आपको दिखेंगे। अभी देखो यहाँ से उड़ावत्था रिसेंटली जबरदस्त फॉर्म में, हालांकि ये बैटिंग के साथ साथ ओवर्स भी करवा सकते हैं, अभी तक इन्होंने ओवर्स करवाई नहीं, लेकिन कभी भी 2 से 3 ओवर्स की गेंदबाजी करवा सकते हैं, जो कि पिछली टूर्नामेंट की बात करो तो वहाँ पर 4-4 ओवर्स की रेगुलर गेंदबाजी करवा रहे थे, लेकिन बैटिंग से भी अच्छे फॉर्म में, पहले मैच के अंदर 28 और दूसरे मैच के अंदर 55 जैसे 2 स्कोर करते आ रहे, तो इनको डेफिनेटली लेके जाएंगे। बाकी सबसे बड़ा पंट हमारे लिए रहेगा रौनक पनोली, जिनका सिलेक्शन आई थिंक थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि पिछली दोनों मैच के अंदर कुछ खास नहीं किया, 8 रन किए 5 रन किए ऐसा ही है, इनका ऐसा ही है, शुरुआत के मैचेस के अंदर ये नहीं चलते, लेकिन जब चलते हैं तब यहाँ पर और कोई नहीं चलता बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से। तो यहाँ से मैं तो इनको इंपॉर्टेंस मानता हूँ, इवन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी रौनक पनोली आपके लिए, हालांकि परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा रिस्क जरूर रहेगा इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करने में, आप लोग चाहो तो इनको कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग इनको एज अ प्लेयर ही लेके जाएंगे। इसके लिए वैसे फहद नवाज बहुत ज़्यादा रिस्की रहेंगे, इनको आप लोग हो सके तो GL में ही ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग के लिए अभी के लिए लेके जाना काफ़ी रिस्की है। हालांकि मैं यहाँ पर तैमूर अली को जरूर सजेस्ट कर सकता हूँ, हालांकि रिसेंटली बैटिंग से ये भी इतने अच्छे फॉर्म में है नहीं, लेकिन ये बंदा अगर ओवर्स करवाएगा तो विकेट भी निकाल सकता है, प्लस ऐसे बैटिंग से भी इन्होंने कई बार बड़े परफॉर्मेंस दिए हुए, इवन सेंचुरी तक लगा सकता है, मूड में रहा इनका दिन अच्छा रहा था या फिर सेंचुरी तक कर सकता है, ध्यान में रखिएगा इनको, अगर कोई चॉइस ना मिले तो इनके ऊपर रिस्क जरूर ले सकते हैं तैमूर अली के ऊपर। ओसामा हसन ओके वो करेंगे, ओसामा हसन की बात करूँ तो पिछली टूर्नामेंट के अंदर वो खेले थे, तो कुछ मैचेस के अंदर इन्होंने ओपनिंग करवाई थी, कुछ मैचेस के अंदर थोड़े से नीचे खेले थे, तो मतलब थोड़ा सा रिस्क ले सको तो इनको लेके जाएगा, हो सकता है इनको बैटिंग से ऊपर खेलने का चांसेस मिल जाए। सेम चीज़ यहाँ पर इरफान मोहम्मद इरफान, जिन्होंने भी अभी तक दोनों मैच के अंदर कुछ खास नहीं किया, तो यहाँ पर क्या है ना कि ये सारे जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर, इरफान हो गए, तैमूर अली हो गए, रौनक पनोली हो गए, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, लेकिन सारे के सारे अच्छे फॉर्म में है नहीं, और उसी के कारण यहाँ पर इस टीम को अभी तक हार का सामना करना पड़ रहा है, वरना फिर ऐसे पूरी बैलेंस टीम है। तो देख लेते हैं इन तीनों में से कोई भी एक तो जरूर चलना चाहिए। संजीत शर्मा इंपॉर्टेंस रहेंगे, डेफिनेटली लेके जाना है। इसके अलावा ऐसे कार्तिक मयप्पन 5 ओवर्स की गेंदबाजी की, यहाँ पर ना इस टूर्नामेंट के अंदर एक और नियम ऐड हुआ है, मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि आई थिंक हर एक मैच के अंदर कोई भी एक गेंदबाज एक टीम की तरफ से 5 ओवर्स डाल सकता है। आई थिंक हमने 4-5 मैचेस के अंदर देख लिया ऑलरेडी, तो कोई भी एक गेंदबाज यहाँ से हर टीम में से कोई भी एक गेंदबाज यहाँ पर 5 ओवर्स की गेंदबाजी कर सकता है, तो वो यहाँ पर कार्तिक मयप्पन ने की, और आगे भी यहाँ से कार्तिक मयप्पन ही पूरी ओवर्स करेंगे। विकेट टेकर गेंदबाज है, काफ़ी तगड़ा गेंदबाज है, मैंने आपको पहली मैच के अंदर ही बता दिया था, और ये ना इंटरनेशनल प्लेयर है, UAE की तरफ से इंटरनेशनल मैचेस खेलता है, हालांकि है ये इंडिया का आई थिंक शायद यहाँ पर इन्होंने कुछ डोमेस्टिक वगैरह भी खेले हुए हैं इंडिया की तरफ से, कर्नाटक या तो फिर केरला, दोनों में से किसी एक की तरफ से, वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली लेके जाना है। विकम भंडारा संजय वेरी इंपॉर्टेंट, इनको भी बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है। जहूर खान को भी बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है, जहूर खान ये भी एक इंटरनेशनल प्लेयर है और इनको भी लेके जाना है। इसके अलावा ऐसे आसिफ खान, मोहम्मद आसिफ
दिखेंगे आपको जूनियर लेफ्ट हैंड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं। दोनों मैच का विकेट तो निकाल रहे, तो रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आएंगे संचित शर्मा, जहूर खान और लेथ में भी ये दोनों ही आएंगे। इसके अलावा बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा। जल्दी से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग को उसी लिंक से ज्वाइन करना है। मार्वल की बात करते हैं, जो कि दो मैच खेली जहाँ से एक मैच वो जीती एक मैच हारी है। ओपनिंग में यहाँ पर मयंक चौधरी और अश्वथ वलथप्पा ने ओपनिंग करवा था। वलथप्पा आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगी, लेकिन चॉइस है हमारे पास राहुल चोपड़ा, तो और राहुल चोपड़ा को मैं कभी ड्रॉप नहीं करता, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप लोग चाहो तो अश्वथ वलथप्पा को भी लेके जा रहा हूँ। इनका भी दोनों मैच के कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। मयंक चौधरी जिन्होंने लास्ट मैच के 47 रन की एक अच्छी पारी खेली, हालांकि ये बंदा कई बार यहाँ पर ओपनिंग भी मतलब ओवर्स भी करवा लेता है, और वैसे तो ये कई बार ओपनिंग करवाते कभी नीचे खेलते, लेकिन इस टूर्नामेंट की बात करो तो यहाँ पर दोनों मैच के अंदर ओपनिंग करवाए थे, यहाँ पर लास्ट मैच के अंदर अच्छा कमबैक करते हुए 47 रन की पारी खेली। वलथप्पा को थोड़ा सा रिस्की मानता हूँ मैं, तो मयंक चौधरी को भी इतना महत्व नहीं दे सकता, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। लास्ट मैच के अंदर अच्छी पारी खेली थी। बशील हमीद वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली लेके जाना है, इवन आप लोग चाहो तो इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। राहुल चोपड़ा दिखेंगे आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ से इनको लेके जाना है, जिसका जिक्र मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर ही कर दिया, तो इनको डेफिनेटली लेके जाएंगे हम लोग। लास्ट मैच के 31 रन की एक अच्छी पारी खेली। इसके अलावा ऐसे हर्षित कौशिक, दोनों मैच के अंदर वोस नहीं करवाए, बाकी है ये यहाँ पर अच्छा गेंदबाज, बैटिंग से अच्छी है इनकी, बॉलिंग है, लेकिन कहते हैं ना दोनों मैच के अंदर वोस नहीं करवाए, तो ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं। सैयद हैदर वशीशा, ये भाई साहब का क्या है ना, ये पूरा पिंच हिटर है, हिट एंड मिस टाइप। इनको जब भी मौका मिलता है ना बैटिंग से, मैं हिट एंड मिस टाइप के नहीं कहूँगा, क्योंकि इनकी बैटिंग आने पर ये बैटिंग से यहाँ पर तगड़ा एडवांटेज देगा, मतलब यहाँ पर बैटिंग से आपको बड़ा एडवांटेज देगा, आनी चाहिए बैटिंग, बस 10-15 गेंद भी अगर खेलने को मिल जाती है तो उस कंडीशन में एक बड़ी पारी इनकी तरफ से आ जाती है, तो ट्राई करना चाहो रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं। अयान खान ने लास्ट मैच के अंदर 5 ओवर्स की गेंदबाजी की थी, और यही बंदा अगली मैच के अंदर ही 5 ओवर्स की गेंदबाजी, मतलब 5 ओवर्स की कोई गेंदबाज एक ही गेंदबाज कर सकता है, और वो यहाँ पर अयान खान ही करेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा गेंदबाज है और ये भी एक इंटरनेशनल प्लेयर है। तो लास्ट मैच के अंदर हमारे कप्तान थे अयान खान, और आगे की मैच के अंदर भी हमारे कप्तान और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी। इसके अलावा ऐसे सागिर खान, ओके जीएल में ट्राई करोगे। यहाँ से हम लोग मोहम्मद जोहेब को लेके जाएंगे, इनका पूरा नाम है यहाँ पर मोहम्मद जोहेब जुबेर, इनको हम लोग लेके जाएंगे, 4 विकेट निकाली थी। यहाँ से दानिश कुरैशी लास्ट मैच के अंदर भी हमारी टीम का हिस्सा थे, और हम लोग इनको आगे भी लेके जाएंगे। बाकी आप लोग एक रिस्क ले सको तो यहाँ से मोहम्मद जाहिद को जरूर ट्राई करेगा, कभी भी ये बंदा यहाँ पर 2-3 विकेट निकाल सकता है, ध्यान में रखिएगा इस प्लेयर को, ओवरऑल 49 मैच के अंदर 72 विकेट है। स्टार्टिंग में यहाँ पर दानिश कुरैशी और मोहम्मद सागिर खान, डेथ होस में यहाँ पर अयान खान और मोहम्मद जोहेब डेथ में डालेंगे। इसके अलावा बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके शर्ट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे आपको, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी हो सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना और कौन से प्लेयर को हम लोग कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर राहुल चोपड़ा हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा यहाँ से आप लोग अश्वथ वलथप्पा को लेके जा सकते हैं। बाकी जो लोग बड़ा रिस्क ले सकते हैं यहाँ पर सैयद हैदर वशीशा को ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर ये टीम कोलैप्स करवा जाती है अपन मार्वेल, और उस कंडीशन में अगर यहाँ पर सैयद हैदर वशीशा को थोड़ा सा अगर खेलने का चांस मिल गया है 4-5 ओवर्स, तो यहाँ पर 40-50 रन की पारी आसान से खेल सकते हैं, तो ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर अयान खान और बशील हमीद रहेंगे। इसके अलावा तैमूर अली के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर रौनक पनोली, समल उड़ावत्था, इनके साथ यहाँ पर मोहम्मद इरफान और जोहेब को लिया है। इरफान का सिलेक्शन कम है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इनके ऊपर भरोसा है, या तो बैटिंग से या तो बॉलिंग से एडवांटेज दे देंगे आपको। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर जहूर खान रहेंगे, मयप्पन रहेंगे, दानिश कुरैशी और यहाँ पर संचित शर्मा। देखो गेंदबाजी सेक्शन में जो 4 गेंदबाज है, इसमें से किसी भी प्लेयर को ड्रॉप नहीं करना है, ये मेरा पर्सनली यहाँ पर आपका सजेशन, मेरा सजेशन आपको कि इन चारों में से किसी को भी ड्रॉप नहीं करना। बाकी यहाँ से भंडारा और जाहिद को भी ले सकते हैं, किनके जगह पर, तो यहाँ पर इरफान या तो फिर यहाँ पर वही चॉइस बनता है, यहाँ पर इरफान या तो पनोली, इन दोनों में किसी एक के जगह पर आप लोग इन दोनों में किसी एक को ले सकते हैं। बाकी टीम की बात करें तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी, कप्तान रहेंगे अयान खान, वाइस कैप्टन यहाँ से मयप्पन रहेंगे,
इसके अलावा चॉइस की बात करते हैं तो पब्लिक चॉइस है पर जोहेब मोहम्मद जोहेब है, तो आप लोग इनको भी करना चाहो तो कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। बाकी तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी, इसमें कुछ बदलाव वगैरह रहेंगे तो फाइनल टीम टेलीग्राम में दी जाएगी आपको, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। मिलते हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।